देखिए इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ यूपी पीसीएस 2024 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। बहुत सारे छात्रों को फीस पेमेंट में समस्या आ रही है, तो फीस पेमेंट अगर फेल्ड हो जाता है तो कैसे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है। तो पूरी प्रॉपर वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर के OTR लॉगिन से लेकर के प्रिंट तक विद फीस पेमेंट, तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। लेफ्ट पैनल पर देखिए यहाँ पर लिंक मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो पीसीएस 2024 का वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में, सीधा क्लिक करेंगे आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे और सारे लिंक आपको इसी जगह मिल जाएंगे, एक जगह आसानी से ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर आकर के लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में पीसीएस का लिंक मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तब भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक दिया गया है कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा पीसीएस एग्जामिनेशन और यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया 220, क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं और आगे लिखा है ऑथेंटिकेट विद OTR, आप यहां पर क्लिक करेंगे। मैं हम भरने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो है ये वाला अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन का आपको निचोड़ दिया हुआ है, जैसे कि कौन कौन से पदों पर भर्ती आई हुई है, कौन कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हो, सामान्य ग्रेजुएट के लिए कौन से पद हैं, स्पेसिफिक ग्रेजुएशन के लिए कौन से पद हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पर करना है आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है, अगर आपने यस किया तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया तो यहाँ बोलेगा पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि OTR नंबर यहाँ पर लगेगा फॉर्म भरने में। जब तक आपके पास OTR नंबर नहीं होगा तब तक फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो OTR कैसे करना उसका भी लिंक आपको यहीं पर देखो मिल जाएगा, UPSC 2024 OTR रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके OTR अपना कर सकते हो। OTR कैसे करना उस पर भी हमने चैनल पर वीडियोस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर यस करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो पूछने लगा OTR नंबर आप अपना डालिए, तो यहाँ पर आपको मैनुअली OTR नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो हमने क्लिक कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से खुलेगा पेज, यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको लगता है डिटेल बिल्कुल आपकी ही, तो यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के दो तरीके मिलेंगे, पहला तरीका है OTP के थ्रू और दूसरा है पासवर्ड के थ्रू। तो OTP वाला बेस्ट लगता है, अगर आपको OTP नहीं आता तो यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर OTP पे पहले क्लिक करेंगे तब OTP जाएगा, OTP देखो भेज दिया गया है। अब यहाँ पर OTP पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास देखिए OTP आ चुका है। कई बार सर्वर प्रॉब्लम की वजह से OTP नहीं आएगा तो परेशानी हो सकती है, इस वजह से फटाफट अपना जो फॉर्म है भर लीजिए। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो जो भी डिटेल हमारी आ रही है, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, मदर्स नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए। और ये सारी डिटेल्स आपको भरना नहीं है, जो OTR में आपने भरा था वहाँ से इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा प्रोसीड, यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका मेन एक तरीके से पेज खुल गया, जहाँ पर सारी आपकी जो डिटेल्स हैं भरी आ रही हैं। एक बार मैं आपको कहूँगा कि सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डोमिसाइल स्टेटस, ये आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इसमें त्रुटि होगी तो बाद में परेशानी आपको हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई त्रुटि आपको दिखा रहा है तो पहले आपको OTR संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप इसका फॉर्म भरना। तो OTR संशोधन पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो और उसे संशोधन कर सकते हो। हमारे यहाँ पर सारी डिटेल बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेन इस पेज में देखो हाई स्कूल की डिटेल आपकी आ रही है, ये हाई स्कूल की डिटेल आपकी OTR से ही फेच होकर के आ रही है, देख लेना ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। इंटर की डिटेल यहाँ पर भरने की जरूरत आपको नहीं है, अगर आपने OTR में भरा होगा तब भी यहाँ पर आपकी जो है इंटर की डिटेल नहीं आएगी, ना ही ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आएगी।
केवल हाई स्कूल की डिटेल ही यहाँ पर OTR से फेच होकर के आएगी। यहाँ पर आपको केवल ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप टू लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, यानी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उस तारीख तक आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि आपने कम्प्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर आप नो कर देंगे तो बोल देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपके पास होना चाहिए मौजूदा हालत में। अपीयरिंग वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यस करना है। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, इशू डेट और ऑब्टेंड मार्क्स परसेंटेज, ये सब में यने यने लिखा हुआ है, इसको डालना है नहीं, ये जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कोई परसेंटेज की बात होता तो है नहीं कि 50% हो कि 60% हो, तो ये कुछ भी आपको जो है नहीं भरना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर आप टाइप कर दो और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक कर लो। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पार्ट टू में फीस डिपॉजिट होगी, अप्लीकेशन होगा, स्टेटस होगा, बाकी डिटेल, इन सबको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आप यहाँ पर क्लिक कर दो या क्लोज भी कर सकते हो। हम यहीं पर क्लिक कर देंगे काइंडली प्रोसीड वाले में, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सीधा OTR डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। OTR डैशबोर्ड में आप यहाँ से आ सकते हैं, या सपोज करो आप क्लोज पे क्लिक कर दिया था, दोबारा भविष्य में कभी आप इसी डैशबोर्ड में आना चाहते हो उसका भी लिंक देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर दिया गया है। ये देखो यहाँ पर UPPC OTR डैशबोर्ड लॉगिन, आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसी डैशबोर्ड में आ सकते हो। क्या हुआ, PCS परीक्षा 2024, यहाँ पर देखो आपका जो पार्ट वन है कंप्लीट हो गया, पार्ट वन में देखो टिक लग चुका है और यहाँ पर देखोगे तो डेट भी और टाइम लिखा होगा। अब ये पार्ट टू, फी डिपोजिशन और बाकी सारा देखो पेंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। इनकम्प्लीट देखो अप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो पूरा पेंडिंग पड़े दिखाएगा। तो अब पार्ट टू आपका यहीं से भरना है। अब यहाँ पर देखो लिखा है सबमिट डिटेल्स, पार्ट टू में देखो सबमिट डिटेल्स ब्लिंक कर रहा है, आप सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर दो। ऐसे क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरीके से देखो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो फोटो साइन भी आ चुका है, ये फोटो साइन भी OTR डैशबोर्ड से ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, फोटो साइन मॉडिफाई करना है तो OTR से ही आप कर पाओगे। सारी डिटेल जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही बिल्कुल चेक कर लो, सही है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आना, देखो यहाँ पर हाई स्कूल डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है और जो अभी ग्रेजुएशन की डिटेल हमने डाली तो उसमें देखो यहाँ पर यस लिखा हुआ है और यहाँ पर देखो सब में नो नो यने यने लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आना है, बोल रहा है आर यू ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपने यस किया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बोल रहा है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप यस कर दोगे, नहीं किया हुआ तो आप नो कर दोगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर आप नो कर दोगे तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली यहाँ पर भर्ती है, वैकेंसीज है, उन पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो हमने किया हुआ तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं, आप नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे इस ग्रेजुएशन लेफ्ट साइड में अब बोला है ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर हमारा BSc तो हमने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो फिजिक्स पे हमने टिक कर दिया और यहाँ देखो लिखा है ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ पर देखो फिजिक्स आ चुका है। हमने मैथ भी पढ़ा तो मैथ पर टिक कर देंगे, देखो मैथ भी आ चुका है। अब हमने केमिस्ट्री भी पढ़ा तो यहाँ पर केमिस्ट्री पे भी हम टिक कर देंगे, ये देखो यहाँ पर। तो जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट को यहाँ पर आप टिक करोगे, आर्ट साइड वाले हो तो आर्ट साइड, यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया गया है इसको आप स्क्रॉल करते नीचे तक आ सकते हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप अदर सब्जेक्ट पे टिक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे तीन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था, तीनों हमने टिक कर दिया। अब हमने PG भी किया हुआ तो यहाँ पर यस किया हुआ है। अब PG में कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था फिजिक्स, हालांकि मैं अपना फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, एक डेमो बता रहा हूँ केवल मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ फिजिक्स कर दिया और यहाँ पर फिजिक्स देखो आ चुका है। नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे लिखा हुआ है अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। देखो इस PCS भर्ती में कई तरह की पोस्ट हैं, इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो सामान्य स्नातक वाले छात्रों के लिए हैं, जैसे कि BA BSc BCOM वालों के लिए। कुछ ऐसी पोस्ट हैं इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं
जिसमें पीजी की जरूरत है, तो वो भी पोस्ट इसी लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर ये जो पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, पांच पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एडिशनल पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। सामान्य पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, BDO, ये ऐसी पोस्ट है जिसमें स्नातक से केवल काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने स्नातक किया हुआ है और नीचे वाली पोस्ट के आप एलिजिबल नहीं हो, तो इन सब में नो नो कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो सामान्य स्नातक की पोस्ट है उसके लिए आपका फॉर्म भर जाएगा, ये एडिशनल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पर एक को पढ़ते जाओ, यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ, जैसे कि बोला गया यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर UP एग्रीकल्चर सर्विसेज Grade 2। इसके लिए बोला गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी की उपाधि, अगर आपने BSc किया हुआ है मैथ से, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आप एस कर सकते हो, समझ गए। इसके बोला गया है कि सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान Grade 2। इसके लिए बोला गया एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी या अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि। तो ये भौतिकी अगर आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, जैसे BSc किया हुआ है, आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, अब इसके लिए भी आप यस कर सकते हो, नहीं अगर एलिजिबल हो तो नो कर देना, लेकिन बहुत ध्यान से केयरफुली में आप यस या नो करना। दो के लिए यस किया हुआ है, बाकी सबके लिए नो कर दिया है। नीचे आना है, यहाँ पर पूछ रहा है आपकी देवनागरी लिपि क्या आप जानते हैं, तो हमका हाँ देवनागरी लिपि हिंदी जानते हैं, ठीक है। ये एड्रेस देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी OTR से भरा भराया आ जाएगा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, OTR से ही आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। नीचे आना है, वो टर्म्स कंडीशन इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कैप्चा कोड दोबारा से डालना पड़ेगा यहाँ पर DGGQ3। अगर कोई ऊपर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक लग रही है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो या प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट आपका होगा, यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म खुला हुआ है, आपने जो भरा था इसको आप अच्छे से देख लो, सब कुछ सही लगता है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है इस तरीके से पॉपअप आएगा, फॉर्म 2 सक्सेस हो चुका है, मतलब पार्ट 2 हो चुका है। यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर फीस जो आपको 65 रुपये लगेगी, यहीं से हम यस कर देते हैं फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ई परीक्षा पेमेंट गेटवे पेज पे, यहाँ पर SBI मॉप्स के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पेज खुल चुका है पेमेंट गेटवे के लिए, अब यहाँ से हम SBI नेट बैंकिंग या अदर बैंक की नेट बैंकिंग, UPI, SBI ब्रांच, कहीं से भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम SBI नेट बैंकिंग चूज करते हैं, यहाँ पर ID पासवर्ड डाल करके आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, हम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर, तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक भी रिडायरेक्ट ये आपका पोर्टल पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अभी डैशबोर्ड खुल करके आएगा या रसीद खुल करके आएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ करना नहीं है, बैक बटन नहीं दबाना ऐसे में, नहीं तो फिर पेमेंट आपका कैंसिल भी हो सकता है, पूरा सर्वर से फेच होकर के यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पेमेंट है, अब यहाँ पर देखो फेल्ड हो गया, वहाँ पर सक्सेस दिखा दिया था लेकिन फाइनली यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आपको डैशबोर्ड पर आना है, इस डैशबोर्ड पर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बार डैशबोर्ड पर जाकर के रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश में देखेंगे तो पेमेंट हमारा कट चुका है, लेकिन यहाँ पर फी डिपोजिशन में स्टेटस में देखो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, और नीचे देखोगे तो लिखा है रिकाउंसिल योर पेमेंट। तो आप एक बार यहाँ से ट्राई करेंगे, जो पेमेंट आपने जितने बार किया होगा उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर रिकाउंसिल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो दो बार हमने पेमेंट का ट्राई किया, दोनों का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखेगा जब आप फीस पेमेंट कर रहे होते हैं उस समय, तो पहले वाला पेमेंट हमारा नीचे, दोबारा वाला पेमेंट यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे वेरीफाई ट्रांजेक्शन। देखिए
हमारे पास इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आ चुका है, इसी तरीके से आपका भी हो जाएगा। नीचे लिखा है प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप, तो यहीं पर आपको क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है हमारा वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फीस पेमेंट के बाद सिर्फ आपको सबमिट करना और कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है और नीचे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो बस इतना सा काम है फीस पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब इस प्रिंट आउट को आप सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए OTR डैशबोर्ड में हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, पार्ट वन, पार्ट टू और फी डिपोजिशन, साथ में एप्लीकेशन ID वगैरह सब कुछ यहाँ पर अलॉट हो चुकी है। फॉर्म सक्सेसफुली हमारा सबमिट हो चुका है। अब भविष्य में अगर इसमें आप करेक्शन करना चाहते तो यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पर। तो OTR डैशबोर्ड में ही सारी आपको चीज़ें मिलेंगी भविष्य में कुछ भी करने के लिए। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपका यही OTR डैशबोर्ड से ही डाउनलोड होगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया है OTR के होने से। हालांकि जिसका OTR में डिटेल्स गलत हैं उसका फॉर्म भी गलत ही भरेगा। तो अगर आप इसमें संशोधन भविष्य में करना चाहते हो तो OTR के थ्रू ही हो पाएगा। और संशोधन कैसे करना उसके बारे में अलग से हम RO के बारे में वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को देख करके आप PCS का भी संशोधन कर सकते हो, कोई भी संशोधन करना हो आपको, ठीक है। संशोधन करने के दो तरीके हैं, दोनों वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बनाए हुए हैं। प्रोसेस सबका एक ही रहेगा, लेकिन हमने वो RO के बनाया था। यहाँ पर PCS के लिए आप उसी तरीके से कर सकते हैं। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।